जो 28 पेजों को पब्लिक कर दिया जाए तो जो
9/11 कमीशन की रिपोर्ट है उसको डीक्लासिफाई कर दिया जाए, ऐसा आदेश अभी जो बाइडेन ने दे दिया है 9/11 की डेट को, यानी 11 सितंबर 2021 को ये दस्तावेज पब्लिक किए जाएंगे। और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं मोस्टली यही बातें उसमें वैलिड हो जाएंगी। अभी भी कई सोर्सेस ये बातें बताते हैं जो मैंने आपको बताया, मोस्टली जो ऑफिसर्स के इंटरव्यूज वगैरह हैं जो एफबीआई में काम करते थे उनके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं। कई सारी डिटेल रिपोर्ट्स हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, कई सारी न्यूज वेबसाइट्स पर, बीबीसी पर, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर ये सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये जो ऑफिशियल रिपोर्ट है सरकार के द्वारा वेरीफाई करेगी कि हां सऊदी अरेबिया संलिप्त था, सऊदी अरेबिया के बड़े बड़े परिवारों के लोग या फिर सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट खुद उन आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही थी। और अगर बाइडेन ये डीक्लासिफाई नहीं करते तो विक्टिम्स के जो परिवार हैं उन्होंने साफ तौर पर बाइडेन को चेतावनी दे दी थी कि आप 9/11 के किसी भी सम्मान समारोह में कमेमोरेशन में बताना अगर आप ये रिपोर्ट को डीक्लासिफाई नहीं करते।